वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार, आज का टॉपिक है रोल ऑफ वेयरहाउसिंग इन फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर्स। आज हम लोग वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस का स्टेप बाय स्टेप डिटेल समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग ने अपना प्रीवियस कुछ वीडियोज में वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस का बेसिक डिटेल्स समझा है और देखा है, और हम लोग ने ऑर्डर फुलफिलमेंट फ्लो का भी डिटेल्स थोड़ा बहुत देखा है और समझा है। तो आज हम लोग इन डिटेल्स देखेंगे कि जब कोई एक ऑर्डर वेयरहाउस के पास आता है तो वेयरहाउस कैसे वो ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और उनका डिटेल्ड रोल क्या रहता है इन फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर्स। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फ्लो ऑफ मटेरियल्स को समझ लेते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर आइटम एक वेयरहाउसिंग सप्लाई चेन में कैसे कैसे फ्लो होता है और अल्टीमेटली कैसे कस्टमर के पास पहुंचता है, वो अभी हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ओरिजिन कहां से होता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सप्लायर्स अपना प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर कंपनी का वेयरहाउस में फुलफिलमेंट सेंटर में थ्रू ट्रक्स भेज देते हैं। तो फुलफिलमेंट सेंटर में हर एक वर्टिकल ऑफ प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है। मान लीजिए वो अपैरल हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है, वो फूड आइटम हो सकता है। तो हर एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फुलफिलमेंट सेंटर का इन्वेंट्री में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, जब कोई ऑर्डर हम लोग ऑनलाइन पंच करते हैं तो वो ऑर्डर जाके फुलफिलमेंट सेंटर में ही रिजर्व होता है। तो जब कोई एक ऑर्डर रिजर्व होता है तो पिकिंग टीम का पिकर वो ऑर्डर पिक करता है। उसके बाद वो ऑर्डर को भेज दिया जाता है पैकर के पास। पैकर वो ऑर्डर एट्रीब्यूट चेक करके पैक करके फाइनली मदर हब में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मदर हब में क्या होता है? मदर हब में प्राइमरी और सेकेंडरी सॉर्टिंग होता है बेस्ड ऑन दी डिलीवरी स्टेट या डिलीवरी रीजन। प्रोडक्ट्स को सॉर्ट किया जाता है, बैगेजिंग किया जाता है और उसे ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया जाता है। ट्रांसपोर्टर क्या करता है? बेस्ड ऑन दी अल्टीमेट डेस्टिनेशन स्टेट और अल्टीमेट रीजन, उस प्रोडक्ट्स को लेके उस पर्टिकुलर स्टेट का जो डिलीवरी सेंटर है, मान लीजिए वहां से लास्ट माइल डिलीवरी जो होता है वहां लेके जाता है। तो लास्ट माइल डिलीवरी कहां से होता है? डिलीवरी सेंटर से या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से या डिलीवरी हब भी आप बोल सकते हैं। वहां से फाइनली पिन कोड वाइज सॉर्टिंग होता है, ठीक है। पिन कोड वाइज सॉर्टिंग होने के बाद डिलीवरी एजेंट्स को अलॉट किया जाता है, जो डिलीवरी एजेंट्स बेस्ड ऑन दी पिन कोड वो ऑर्डर्स या शिपमेंट्स कलेक्ट करके फाइनली कस्टमर के पास पहुंचा देता है। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ आइटम्स या फ्लो ऑफ मटेरियल आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बेसिक वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस को समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे। तो दोस्तों, वेयरहाउसिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहता है। तो सबसे पहला देखिए, इनबाउंड डिपार्टमेंट रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सेलर से जो प्रोडक्ट्स आता है तो इनबाउंड डिपार्टमेंट का काम है ट्रक्स को रिसीव करना, प्रोडक्ट्स को अनलोडिंग करना और वो प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में स्टोर करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन या बारकोड देके उस प्रोडक्ट को पुटिंग टीम में हैंडओवर कर देना ही इनबाउंड टीम का काम है। तो उसके बाद आता है पुटिंग टीम। पुटिंग टीम प्रोडक्ट को वेरीफाई करके रैकिंग करते हैं, मतलब इन्वेंट्री में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री टीम। इन्वेंट्री टीम क्या करता है? वो प्रोडक्ट का स्टोरिंग, स्टॉक टेक, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेंट्री टीम का रहता है। अल्टीमेटली टू मैनेज द इन्वेंट्री ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री टीम का काम है। उसके बाद जब हम लोग कोई ऑर्डर ऑनलाइन पंच करते हैं तो ऑर्डर रिजर्व होता है। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद पिकिंग टीम अपना पिकर्स को एक जॉब देते हैं कि आप लोग को ये ऑर्डर पिक करके देना है। तो पिकिंग टीम वो ऑर्डर पिक करके पैकिंग टीम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कि आप लोग इस ऑर्डर्स को वेरीफाई करके इनवॉइस निकाल के पैक करके मदर हब में भेज दीजिए। तो पैकिंग टीम पैकिंग करके डिस्पैच करते हैं टू मदर हब। तो मदर हब में जैसे कि हम लोग ने कहा कि प्राइमरी सेकेंडरी सॉर्टिंग होने के बाद ट्रांसपोर्टर को देके वो फाइनली डिलीवरी हब या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेजा जाता है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में अल्टीमेट डिलीवरी होने वाला है और वो और उस डिलीवरी हब से डिलीवरी एजेंट्स को अलॉट किया जाता है, जो अल्टीमेटली पिन कोड वाइज डिलीवरी कर देते हैं। दोस्तों, चलिए अभी हम लोग
वेयरहाउसिंग जो प्रोसेस फ्लो है जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया वो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छा से बैठ जाए और आप लोग को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स या सेलर्स अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी का वेयरहाउस का फुलफिलमेंट सेंटर में, तो ये है फर्स्ट स्टेप। तो इनबाउंड टीम क्या करता है फुलफिलमेंट सेंटर का, ट्रक्स को अनलोड करके प्रोडक्ट को वेरीफाई करके उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन बारकोड लगा देता है ताकि वो स्टोर हो पाए इन्वेंट्री में। तो उसके बाद आता है पुटिंग टीम, पुटिंग टीम प्रोडक्ट को वेरीफाई करके इन्वेंट्री में पुट कर देते हैं। और इन्वेंट्री टीम क्या करते हैं, इन्वेंट्री टीम वो इन्वेंट्री को मॉनिटर करते हैं, स्टॉक टेक करते हैं और पूरा इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। जब कोई ऑर्डर देता है ऑनलाइन, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होता है कंपनी का फुलफिलमेंट सेंटर में। और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद पिकिंग टीम क्या करता है, पिकिंग टीम एक जॉब लिस्ट देते हैं अपना पिकर को कि ये ऑर्डर आया है, मतलब आपको ये प्रोडक्ट को इन्वेंट्री से पिक करके लेके आना है। फिर पिकिंग टीम वो सब पर्टिकुलर जॉब लिस्ट देख के वो प्रोडक्ट को पिक करके एक बकेट में, जिसे टोट कहा जाता है, टोट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स उठा के वो पैकिंग टीम के पास ट्रांसपोर्ट कर देते थे। तो पैकिंग टीम क्या करते हैं, ऑर्डर को वेरीफाई करके एट्रीब्यूट चेक करके पर्टिकुलर बॉक्सेस में डाल के इनवॉइस निकाल के वो डिस्पैच करके मदर हब में भेजते हैं। तो मदर हब में क्या होता है, मदर हब में प्राइमरी सेकेंडरी सॉर्टिंग होता है जैसे कि हम लोग ने कहा। सो बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी या स्टेट ऑफ डिलीवरी उसे सॉर्ट करके बैगेजिंग किया जाता है, बैगेजिंग करके वो ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है। ट्रांसपोर्टर वो सब प्रोडक्ट लेके या शिपमेंट लेके बेस्ड ऑन दी फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट और रीजन, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लगभग जो डिलीवरी सेंटर है वहाँ कैरी करके लेके जाते हैं। और उस डिलीवरी सेंटर में फाइनली सॉर्टिंग होता है बेस्ड ऑन दी पिन कोड, और अल्टीमेटली बेस्ड ऑन दी पिन कोड डिलीवरी एजेंट्स को अलॉट किया जाता है जो वो प्रोडक्ट कलेक्ट करके कस्टमर के पास फाइनली डिलीवर कर देते हैं। ये है पूरा वेयरहाउसिंग प्रोसेस फ्लो। तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो आप लोग को ये समझाता है कि हर एक डिपार्टमेंट ऑफ द वेयरहाउस का क्या रोल रहता है ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर टाइमली फुलफिल होके प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग जो डायग्रामेटिकली अभी देखा है वो उसका वर्क फ्लो डायग्राम एक बार वापस देख लेते हैं ताकि इन डिटेल्स में आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होता है। तो ऑर्डर रिजर्व होने के बाद क्या बोला था हम लोग ने, पिकिंग टीम एक जॉब लिस्ट देता है, उस जॉब लिस्ट को ही पिक लिस्ट बोला जाता है। तो एक पर्टिकुलर पिकर को एक जॉब लिस्ट मिलता है एट अ टाइम जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स को पिक करना होता है। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर वर्टिकल का ही होता है, जैसे मोबाइल मान लीजिए या कॉस्मेटिक्स मान लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मान लीजिए, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का ही प्रोडक्ट उसे पिक करना होता है। तो जब वो एक एक करके पिक करता है, जब उसका जॉब लिस्ट खत्म हो जाता है वो अपना पिकिंग कंफर्म कर देता है, ठीक है। तो जब वो पिकिंग कंफर्म कर देता है वो बकेट या जिसे टोट कहा जाता है उस टोट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स पैकिंग एरिया, मतलब जो पैकिंग करते हैं वो टोट को स्कैन करके सब प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, एट्रीब्यूट चेक करके उसे रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में पैक करके फाइनली डिस्पैच कर देते हैं, ठीक है। तो वो डिस्पैच में क्या होता है, प्रोडक्ट का वेमेंट क्रॉस चेक होता है और अल्टीमेटली उसे मदर हब में भेज दिया जाता है। तो जैसे कि हम लोग ने कहा, मदर हब में प्राइमरी सेकेंडरी सॉर्टिंग होता है बेस्ड ऑन दी डेस्टिनेशन और स्टेट ऑफ डिलीवरी, उस हिसाब से ट्रांसपोर्टर वो सब मदर हब से बैगेज्ड प्रोडक्ट लेके अल्टीमेटली मूव्स टुवर्ड्स दी डिलीवरी सेंटर जहाँ से अल्टीमेटली पिन कोड वाइज सॉर्टिंग होके कस्टमर के पास डिलीवरी होता है वाया डिलीवरी एजेंट। तो दोस्तों, ये है पूरा वर्क फ्लो ऑफ वेयरहाउस। तो दोस्तों, आई बिलीव दैट मैंने आपको इन डिटेल्स में समझा दिया कि हर एक डिपार्टमेंट ऑफ वेयरहाउस का क्या क्या रोल रहता है, क्या वर्क फ्लो रहता है ताकि एक कस्टमर ऑर्डर टाइमली प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आपको अगर मेरा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन रिलेटेड और वीडियोस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है, उसे फॉलो कीजिए। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।